हुकूमत ने मुस्तकबिल में गंदम खरीदारी से बाहर रहने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक हुकूमत की नई पॉलिसी पर काम जारी है। कानून की शक्ल दी जाएगी। नई कानून साजी से गंदम खरीदारी में महकमा खुराक का किरदार खत्म हो जाएगा। नई पॉलिसी पर अमल दरामद के बाद किसानों से गंदम प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत ने मुस्तकबिल में गंदम खरीदारी से बाहर रहने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक हुकूमत की नई पॉलिसी पर काम जारी है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। जी मोहम्मद लुकमान, बताइएगा नई कौन सी पॉलिसी बनाई गई और क्या गौर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, 3 साल से ये हुकूमत के लिए मसला रहा है। पहले 3 साल के स्टॉक्स इकट्ठे हुए जब 2019-20 में, उसके बाद हुकूमत को उनको डिस्पोज करने में बड़ी मुश्किल आई। और पिछले साल भी यही हुआ कि 40 लाख टन जो गंदम जो थी प्रक्योर की गई, लेकिन उनमें से मिलों को सिर्फ 18 लाख टन जो फ्राम की जा सकी, क्योंकि बाहर से गंदम आ चुकी थी तो मिलों ने ज्यादातर जो गंदम थी सस्ती गंदम लेने को तरजीह दी। इसके तो भी 22 लाख टन जो गंदम है वो सरकारी गोदामों में मौजूद है, और यही वजह है कि पंजाब हुकूमत इस बार खरीदारी गंदम की नहीं कर सकी। और पिछले साल भी 400 अरब रुपए बैंक ऑफ पंजाब से लेने पड़े, जिसकी फाइनेंशियल कास्ट भी काफी सारी थी, सूद भी देना पड़ा। तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि हुकूमत जो अब आइंदा जो खरीदारी जितनी होनी थी वो नहीं हो सकेगी अगले सालों में, बल्कि हुकूमत जो है प्राइवेट सेक्टर को तरजीह देगी कि वो खरीदारी करे। और इसके लिए सिर्फ हुकूमत अपना एक रेगुलेटर का किरदार अदा करेगी, कीमतों का तयन किया जाएगा, और कीमतें जो तयन होगा वो चारों सूबों के लिए यकसा कीमत होगी। ताकि सही, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद लुकमान, आपने तफसीला आगाह किया।